self technology, automatic technology here. See. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम देख लिए वो अच्छा के कपलिंग है, कपलिंग की वैल्यू क्या होता है, ये किस पर डिपेंड करेगा, के तुम्हारा के जो है वो डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स ना, डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स, ठीक है। जैसे कि अगर दोनों का एक्सिस पैरेलल है, ये कॉइल वन है ठीक है, इसका और दोनों का एक्सिस क्या है तुम्हारा पैरेलल है, जैसे इस टाइप का ये ऐसे कहीं रखा हुआ है, ये L2 है, तो वैसे केस में K क्या होगा तुम्हारा वन, वन एक्सिस ऑफ बोथ स्क्वायर आर पैरेलल या कोलिनियर, ठीक है। और वही K की वैल्यू जीरो हो जाएगी जब दोनों का एक्सिस क्या हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, जैसे एक का एक्सिस ऐसे है और दूसरे का एक्सिस, दोनों का एक्सिस क्या है, ये कॉइल वन है ये, तो इस केस में के की वैल्यू व्हेन एक्सिस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो K की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ रहेगी तुम्हारा, जीरो से, यानी ओरिएंटेशन पर डिपेंड किया ना, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं बाबू कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा तुम्हारा, शेप साइज नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि एल ओल पर तो डिपेंड कर ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात हम लोग को निकाल के लानी है, दस म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, पहला कह सकते हो शेप एंड साइज, शेप्स एंड साइजेस ऑफ द कॉइल्स, दूसरा कह सकते हो सराउंडिंग मीडियम ना, नंबर ऑफ टर्न्स, चौथा ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स ना, ठीक है। नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा।